दोस्तों आज आप देख रहे हैं 2022 की नई अपडेटेड डोमिनार 250 को। आज मैं आपको इस बाइक के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं, जैसे कि 2022 में इस बाइक की प्राइस क्या है, माइलेज क्या है और कितने नए फीचर्स आपको इस बाइक में मिल जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ये सभी बाइकें उपलब्ध हैं JPS बजाज बालागंज लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर बजाज की किसी भी बाइक को खरीद सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम इस बाइक के प्राइस से। तो इसकी बालागंज लखनऊ उत्तर प्रदेश JPS बजाज पर लगभग ऑन रोड प्राइस है 2,08,000 रुपये, मतलब 2,08,000 रुपीज़ विदाउट एसेसरीज, मतलब एसेसरीज आप लगवाएंगे तो उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो 2,08,000 रुपये में आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं उसके बारे में अब मैं आपको पूरा डिटेल से बता दूँ। लेकिन ये भी बता दूँ कि जैसे जो रॉयल इनफील्ड की हंटर आई है उसके बराबर है इसकी प्राइस, और जो यामाहा की R15 वर्जन 4 आती है उससे कम कीमत में ये मिलती है, और रोनिन के बराबर ही इसकी प्राइस है, जबकि ये 250 सीसी की बाइक है। सबसे पहले हम मॉडल और डिज़ाइन की बात करेंगे तो आप देखेंगे एक सुंदर डिज़ाइन इसका बनाया गया है। इसके अलावा ये काफ़ी भारी भरकम सा डिज़ाइन लगता है, मतलब आपको हल्की फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप देखेंगे इतने चौड़े से इसके पेट्रोल टैंक है, जिस पर काफ़ी मस्कुलर इसमें टैंक काउल लगाए गए हैं। और फ्रंट से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये डोमिनार 400 वाला ही पूरा डिज़ाइन है, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे डोमिनार का मतलब होता है स्वामी। यहाँ पर आप देखेंगे फुली LED लाइट का सेटअप इसमें आपको मिल जाता है, और अप साइड डाउन फोर्क मिल जाते हैं। तो अगर मैं एक बार में आपको फीचर्स बताऊँ तो 2,08,000 रुपये में आपको बेहतरीन मॉडल और डिज़ाइन मिलता है। इसके अलावा बड़ी डिस्क ब्रेक, अप साइड डाउन फोर्क, एक अच्छे टायर और एक पावरफुल इंजन मिल जाता है, फुली डिजिटल मीटर मिल जाता है, और अभी इसके बारे में पूरा हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे अप साइड डाउन फोर्क आपको मिल रहा है, और यहाँ पर मैं आपको टायर साइज दिखा दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 180/17 का इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, और यहीं अगर हम बात करें ब्रेक की तो 300 mm की डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती है ड्यूल चैनल ABS के साथ। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा भाई ABS के प्लेट लगी हुई है, और पीछे जब आप देखेंगे 230 mm की डिस्क ब्रेक है, यहाँ पर ड्यूल चैनल ABS मिल रहा है आपको, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर इसमें ABS की प्लेट लगी हुई है। और इसका जो साइलेंसर है वो सबसे ज़्यादा आकर्षक है, क्योंकि जब मैं आपको इसका साउंड सुनाऊँगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसमें आपको पीछे मोनो सस्पेंशन मिलते हैं जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये डोमिनार का लोगो है, और यहाँ पर आपको 250 लिखा हुआ मिलेगा, और ये जैसे ग्लॉसी ब्लैक, ये ब्लैक तो यहाँ पर दिख रहा है, हो सकता है कुछ और भी कलर हो क्योंकि लाइट में कुछ अलग ही दिख रहा है। और बाकी यहाँ पर आप देखेंगे डोमिनार 3D में लिखा हुआ ब्लैक आउटलाइन है, और सिल्वर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। और जो 2022 मॉडल है उसमें आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये सिल्वर कलर या फिर आप वाइट कह सकते हैं, साइड पैनल पर यहाँ पर भी वाइट आपको मिल रहा है। पीछे का टायर मैंने नहीं दिखाया, ये मैं आपको दिखा दूं कि पीछे भाई कितने mm का है, 130/70/17 का इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, 230 mm की डिस्क ब्रेक मैंने आपको बता दी। बाकी यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, पीछे काफ़ी गैप है कि जैसे अगर आप थोड़ा सा एडवेंचर में भी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। तो इसके लिए इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। और वहीं अगर हम बात कर लें भाई, 2,08,000 रुपये में आपको एक पावरफुल मशीन मिल रही है, DTSI ट्विन स्पार्क प्लग इसमें आपको मिलते हैं, दो स्पार्क प्लग वाली इसमें आपको टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो कि इनकी DTSI एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है। 248.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, 27 HP की पावर मिलती है, 8500 RPM पर 23.5 Nm की टॉर्क मिलती है, मात्र 6500 RPM पर 6 गियर इस बाइक में आपको मिल जाते हैं, और 1 down 5 up इसमें गियर का सिस्टम दिया गया है। और इधर ही मैं आपको बता दूं, क्योंकि भाई ज़्यादा इसमें जगह नहीं मिल रही है यहाँ पर बताने के लिए, तो सीट हाइट की अगर हम बात करें तो 800 mm इसकी सीट हाइट है, व्हील बेस है इसका 1453 mm, और इसका वजन है 180 किलोग्राम, पेट्रोल टैंक 13 लीटर का लगाया गया, और रिजर्व की कैपेसिटी है 3 लीटर की। अभी हम इसके डिजिटल मीटर की बात करेंगे जो कि इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको दो डिस्प्ले मिलती है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। यहाँ पर ऑन हुई और आप देख सकते हैं दोनों डिस्प्ले ऑन हो गई, यहाँ पर बजाज का लोगो और यहाँ पर इंजन चक्र बैटरी और टेम्परेचर का, इसके अलावा न्यूट्रल का, लो फ्यूल वार्निंग, और यहाँ पर RPM लिमिट की लाइट है। यहाँ पर आपको किलोमीटर भी ये बाइक आपको दिखा रही है, घड़ी भी आपको मिल जाती है, और यहाँ पर ओडोमीटर आपको मिल जाता है, RPM मीटर इसमें आपको मिल जाता है, और एक बार ऑन करूँगा और सर्विस रिमाइंडर आपको इसमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको ब्लू लाइट मिल रही है, जैसे इसके यहाँ पर ब्लू लाइट से ये जब आप रात में चलेंगे तो बड़ा ही मतलब अच्छा लगेगा इसमें। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ब्लू लाइट है, और आगे देखता हूँ स्विच ऑन करने पर क्या क्या ऑन हुआ है। तो यहाँ पर जो इसके आप DRL कह सकते हैं, इधर से
और इधर से ये ऑन हो चुके हैं। और बैकलाइट को मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप देखेंगे भाई बैक लाइट भी इसकी काफ़ी प्यारी है। और एलईडी इंडिकेटर आप देख सकते हैं छोटे छोटे से लगाए गए हैं जो कि आपको अच्छे लग सकते हैं। मैं ऑन करके दिखा दूं कि भाई ये कैसे ऑन होके दिख रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे दिख रही है बाइक। और मैं इसको बंद करके आपको इसका साउंड सुनाता हूँ, फिर आपको मज़ा आएगा। वाह, तो आपने इसका साउंड सुना। हो सकता है आपको मोबाइल में उतना क्लियर नहीं लगे, लेकिन इसका जो साउंड है वो काफ़ी बेसी है, मतलब इतना धमक भरा है कि जब एक्सेलरेट होगा ना तो दोनों जो इसके जो ट्विन पाइप वाले साइलेंसर हैं तो उससे आपको एक अजीब ही एक खुशी मिलेगी, एक मतलब मज़ा आएगा जब चलाएंगे। जब रोर उसका उत्पन्न होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पर ये रबड़ इसलिए दी गई है जिससे आप इस पर ऑयलिंग कर सकें, इस पर जो ऑयल आता है चैन ल्यूब आता है वो आप डाल सकें। ओरिंग वाली चैन इसमें मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे 6 गियर की ये बाइक है जिसमें आप 1 डाउन, न्यूट्रल, 2, 3, 4, 5, 6 6 गियर की ये बाइक आती है। और यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल नया इंजन है ये, जो डोमिनार 400 वाला रहता है उसमें ही, मतलब उसका एक छोटा मॉडल है जो 250 सीसी में मिलता है। और एक इधर प्लग दिया गया है और एक दूसरी तरफ इसमें प्लग आपको मिल जाता है। और बाकी इसमें मेन स्टैंड नहीं मिलता। अगर हम स्टैंड की क्वालिटी की बात करें तो ये जो स्टैंड दिया गया है, साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच मिलती है, लेकिन इस स्टैंड को अगर आप देखेंगे तो इस चेसिस में यहाँ से लगाया गया है, तो जिससे भविष्य में यहाँ से अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप बदल सकते हैं। तो मतलब सिस्टम अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा, और इस चीज़ की क्वालिटी जो लग रही है ये काफ़ी बेहतरीन लग रही है। आपको ये बाइक कैसी लगी दोस्तों? वैल्यू फॉर मनी बाइक है, क्योंकि 250 सीसी में काफ़ी इसमें पावरफुल इंजन भी मिल जाता है, अपसाइड डाउन फोर्क मिल जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इस बाइक में आपको मिल जाती हैं जो कि मैंने आपको दिखा दी है। तो आपको ये बाइक कैसी लगी आप अपनी राय ज़रूर दें वीडियो में। क्या हुआ भाई, निकाल रहे हो? चलो निकालो। और यहाँ पर मैंने आपको नहीं दिखाया, इंजन किल की स्विच आपको मिल जाती है। और ये जो इस साइड व्यू मिरर हैं, ये जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन, यहाँ पर ये इसको इस प्रकार से टाइट किया गया, थोड़ा प्रीमियम थोड़ा अलग तरीके से दिया गया। और यहाँ पर ये जैसे स्विच ऑन, जैसे मैं इसको ऑन करूँगा और अभी लाइट आप देखेंगे यहाँ से लाइट आप उसका पार्किंग इसके पायलट हेडलैम्प को बंद भी कर सकते हैं। यहाँ से इंडिकेटर न्यूट्रल की, ये हाई बीम लो बीम, यहाँ से पास की, और यहाँ से हॉर्न की, सिंगल हॉर्न आपको इस बाइक में मिल जाता है। तो दो डिस्प्ले से जब आप चलाएंगे तो बाइक आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये थी डोमिनार 250 2022 मॉडल। आपको बाइक कैसी लगी आप अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यहाँ से आप कूलेंट के लेवल को चेक कर सकते हैं, बाहरी सारी चीज़ें दी गई हैं। ब्रेक पैडल का सिस्टम आप देख सकते हैं, फुटरेस्ट का भी आप पैडल देख सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।